बच्चों के जो हमने होम्योपैथी एंड चिल्ड्रन के जो वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं उसके संदर्भ में ही हम आपको कुछ और बच्चों से रिलेटेड क्लिनिकल टिप्स दे रहे हैं। तो पहला टिप है, जो बच्चे खाने पीने के लिए बहुत तंग करते हैं, मदर ने एक चीज़ बना के दी, नहीं ये नहीं चाहिए मम्मा ये बना के दो, माँ ने वो दूसरी चीज़ भी रेडी कर दी, अब वो दूसरी चीज़ भी रिजेक्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं चाहिए अब नेक्स्ट और चाहिए, दूसरी चीज़ बन गई वो नहीं चाहिए अब ये चाहिए। तो जो बच्चे खाने पीने के लिए इतना तंग करते हैं कि जो चीज़ मांगते हैं वो बन जाती है लेकिन उसको भी वो रिजेक्ट करते जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम कैप्रिशियस फॉर फूड बोलते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमारी होम्योपैथी में एक मेडिसन है र्यूम। र्यूम के बाद ऐसे बच्चों की ये जो कैप्रिशियस फॉर फूड है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्लिनिकल टिप है जो बच्चों से रिलेटेड है, किसी भी एक्यूट डिजीज के बाद, मींस मलेरिया हुआ उसके बाद बच्चों की भूख बंद हो गई, टाइफाइड हुआ उसके बाद बच्चों की भूख बंद हो गई, किसी भी एक्यूट डिजीज़ के बाद अगर बच्चों को भूख लगना बंद हो जाए तो उसके लिए हम सोराइनम मेडिसन प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट टिप है, बच्चों को भूख तो होती है लेकिन वो खाना खाना पसंद नहीं करते, मींस वो अपने खेलने में या अपने कामों में इतने मस्त होते हैं कि मदर को बार बार उनको बुलाना पड़ता है कि बेटा आके ये खा लो, बेटा आके खाना खा लो, आ रहा हूँ मम्मा अभी खाता हूँ, लेकिन वो नहीं आएंगे, वो अपना ही मस्त रहेंगे। ऐसे बच्चे जो बार बार बुलाने पर भी नहीं आते हैं, माँ को खाने के लिए तंग कर रहे हैं, इनके लिए हमारी रेपर्टरी में रूब्रिक है लॉस ऑफ एपेटाइट हैबिचुअल, और इसमें हमारे पास मेडिसन है काली म्यूर। नेक्स्ट टिप, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो नहीं खाते, छोटे बच्चे, लेकिन मदर उनको बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद ठूस ठूस के खिलाती रहती है कि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया, अब इसको ये दे दूं, अब इसको वो दे दूं, थोड़ा 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 बार बार बच्चे को खिलाते रहना है। तो ऐसे बच्चे ओवर फेड हो जाते हैं, ऐसे बच्चों जिनको बार बार थोड़ा थोड़ा मदर जबरदस्ती खिलाती रहती हैं, तो उनके लिए ओवर फीडिंग होने की वजह से हमारे पास जो मेडिसन होती है वो है नेट्रमफॉस। और एक है निबलिंग एपेटाइट, थोड़ा थोड़ा बच्चे बार बार मांग के खाते हैं लेकिन पेट भर के नहीं खाते, तो निबलिंग एपेटाइट के लिए एथ्यूजा मेडिसन प्रेस्क्राइब की जाती है। थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ, जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है,